फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग भाई सीरीज रात लगाया था अभी सुबह भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ट्रैक्टर में अभी हर रोज थोड़ा थोड़ा कॉटन आ रहा है खेत से भाई। चकलिया आना हो गया शुरू भाई बहुत ही बढ़िया। कल जैसे मैंने बोला था सारे यहाँ पे तीन गरबा रेडी हो चुके हैं जिसमें चकली आकर बैठेगी अपना माला करेगी। ठीक है इनका टोपा बहुत ही बढ़िया है रिंकू किचन का। थैंक यू किंजल हो गए है रेडी। किंजल गुड मॉर्निंग बहुत ही बढ़िया आज भी बहुत बढ़िया लग रही है। दिवाली है तो आपको सबको दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली है ना किंजल। अभी क्या कर रही हो? अभी हूं। सोई नहीं हो? पूरी होती अच्छा पूरी रात उसने जगाया ना जागती तो फ्रेंड आरोही पूरी रात किंजल को जगाया आज भी देखो फेस थोड़ा काम। अभी मैं थोड़ी देर में दूध लेने जा रहा हूँ। ठीक है जय स्वामीनारायण। मेरे पापा ने जो मेथी लगाई थी वो बाहर निकल के आई है और बहुत ही बढ़िया छोटे छोटे पौधे निकल के आए जमीन से। देख बहुत बड़ा था बैंगन आ गया है भरथा वाला। इतनी बढ़िया मस्त टमाटर आ चुका है। चकलिया बहुत ही बढ़िया आना हो गए है शुरू। गुड मॉर्निंग चकलिया। क्या बात है देखो नींबू के साथ चकली भी आना हो गया है शुरू। जावानू छे वाड़िए वाड़िए जाव जो आज कपास लावानू छे। રમેશ ને ભર દે રમેશ હેપી દિવાળી હેપી દિવાળી શું કરવાનું દાદા ફટાકડા ફોડવાના? હા આજ તો મરસી બોમ્બ ફોડવાનો એમ ને જોજો કોઈક નો કપા નો હળગે કપા કોઈ નો હળગાવે 2000 ના ભાવ નો તાર પપ્પા હળગાવવા દે હળગાઈશું તરત કે હું આ મફત છો છે આમાં હું બિયારણ નથી નાખ્યું રમે હેપી દિવાળી જલેબી બલેબી ખાઓ ફાફડા ખાઓ એ અભી છોટો હમારે યહાં પે ગરબા લેને કે લિયે આયા ચકલી કા માળા બેઝિકલી કે લિયે યુઝ કરતે તો બેટા કેટલા લઈ જવા છે? પાંચ લઈ જવા. ઓકે પાંચ લઈ કે જાઓ માળા બનાના. ઠીક હે ઓકે. ક્યા નામ હે તુમ્હારા? મિલન. મિલન ઓકે સુરત માં રહેતે હો? હા. જલ કા ભાખરી ટાઈમ હો ચુકા હે રેડી મસ્ત મસ્ત ભાખરી ઓર ઉધર બન રહી હે ગરમા ગરમ ચાય. તો ભાખરી ટાઈમ હો ચુકા હે આપ બેઠ જાઓ. ઓકે ફ્રી હોના હે મુજે અભી. દેખો કાકી આ ગયે હે. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ જય સ્વામિનારાયણ. કાકી ને આજ સાડી પહેન દી. વાહ કાકી હે ને હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી ચાલો ચા ચાલો હે પાપા ને આપે માખન ભાખરી ઓર અડદિયા ઓર યહાં પે હે યે ખજૂર પાક જોરદાર और ये है घुघरा. रिंकू की फ्रेंड लाई थी घुघरा जोरदार. तो मिठाई अभी आ चुकी है और सुबह सुबह देखो गर्मा गर्म चाय के साथ भाखरी माखन काकी ने पिरोसना कर दिया शुरू. रिंकू किचन केव लागे थे मिठाई सवार सवार मा भरा से बोल दी મોડા ઘુઘરો પહેરો ઘુઘરા વાળો મસ્ત એટલે વાત તો પૂછ માતી ટોપા પહેને ઘુઘરા જે છે ઓર કાકી લેકર આયે હે કપ ઓર ઉસમે ડાલેંગે ગરમા ગરમ રિંકુ કે લિયે ચાય. દેખો થોડી હેલ્પ કરો મારી આજે બપોર ની રસોઈ દર્શન પપ્પા હું જમવાનું બનાવતો કેવું બનતું ખાઈ લઈ કટર થઈ મોઢા બોલી ગઈ કુતા ખાય ખાલી હેડે મેં ખાઈ ખુલે બાઉી દોનો બેટિયા સુઈ હે યહાં પે રૂહી ઓર યહાં પે દેખો યે હિલ રહે યે હિલ રહે પાંવ દેખો ઇસકા યે ચક્કી લગતા હે. ગુડ મોર્નિંગ ચિકોડી 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 ચિકોડી.
हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी हम जाने वाले हैं और जितने भी माजी है उन सबको मिठाइयाँ देने जा रहे हैं। आज दिवाली का दिन है, बहुत ही बड़ा त्योहार है और आप सबको दिवाली की लाख लाख बधाइयाँ भाई। बहुत ही एंजॉय कीजिए, दिवाली मनाइए और आसपास जितने भी बेसहारा है इनको दिवाली पे ज्यादा कुछ आना तक नहीं ले पाते उनको खाना दीजिए और उनका ख्याल रखिए। ये दिवाली सही है, यहाँ पे सब मस्ती के मूड में है, सब काका काके रिंकू किचन होते हो रिंकू इतनी बड़ी दांत काटे तू काका के मन गो खाई पहला अच्छा पहला गो खाऊ पड़े पछि बोलचे दाल वाटो बोलते काफी लोगों ने बोला कि काकी का बेटा देखो आओ काकी जय सोमनारायण जय सोमनारायण। मजा मैंने त्रुपेश तो ये है त्रुपेश काकी का बेटा, काकी के पास देखो कैसा काकी के काकी बच्चू लग रहे ये उनका बेटा है देखो। अभी आप इनके लिए अच्छी सी बहू ढूंढिए क्या काका कूणा दूधिया जो कूड़ा दूधिया जाता है अभी चलो अभी मेरा काम अभी बढ़ गया है, बकरी का दूध लेने जाना है बकरी चली जाए उससे पहले मैं जाऊँ जो जो खेड़ भी इन्होंने आगे लाख लाख दिन पछी लाख तू लाख जे अरे उभी रे तने लाख वादे अरु बाबा लागू पड़ो केवल अमारु बाबा एउ छै ने के काका के दे ने पगे लागे अरुही के लिए बकरी का दूध लेने जाना है तो आइए आपको थोड़ा वो भी नजारा दिखाता हूँ। अरुही का दूध टाइम हो चुका है और यहाँ पे रूही रेडी हो रही है। रूही नाई नाई कर रही हो और रूही और आरोही रूही जैसे बोला था वैसे उनका ख्याल रख रही है। जय हो विलेज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो भी माजी है उन सब लोगों को ये मिठाई जाएगी। जो मिठाई खरीद नहीं पाते उनको हम स्पेशली मिठाई देने जाएंगे ठीक है, ताकि वो उनकी दिवाली भी बहुत ही बढ़िया हो। जय श्री स्वामी नारायण। तो आज दिवाली का मस्त त्यौहार और सारी मंदिर की मिठाइयाँ बन चुकी है और कल नूतन वर्ष नए वर्ष की शुरुआत करेंगे और भगवान को भोग लगाकर शुरुआत कर देंगे। हम आए स्वामी नारायण मंदिर और अन्नकूट की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे खाना तक नहीं ले पाते उनको खाना दीजिए और उनका ख्याल रखे। ये दिवाली सही है मैं मानता हूँ, मेरे सारे व्यूअर मानते हैं। काफी लोगों की कल कमेंट थी कि भाई ये सही दिवाली है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमें भगवान ने जितना भी दिया है हम खुश है। आपको हमको सबको दिया है लेकिन जिनको नहीं दिया उन तक हमें पहुंचना है। भगवान ने बोला है जितने गरीब को बांटोगे उतनी दुआएं आपको मिलेगी और आपका बैलेंस प्लस होता जाएगा ठीक है। बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा लेकिन कर्म का बैलेंस भी बढ़ाना है ना, इसलिए यह काम करना बहुत जरूरी है ठीक है। आप और हम जुड़े तो बस ऐसे जय हो विलेज का काम करते रहेंगे। रूही किंजल और त्रुपेश हम सब जा रहे हैं गाय को रोटी देने के लिए। रूही क्या जवानू छे कौन है ए गाय गाय ने तू आपीस ए गाय गाय ने मुड़ा मा खवड़ावानी हम जाते अपन ए। तो फ्रेंड किंजल भी आ चुकी है और आज त्रुपेश भी आ चुका है तो हम सब रोही गाय 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 जय हो विलेज का पूरा जो वीडियो है वो अलग से आपको पेश किया जाएगा ताकि आपको वो देखने का भी बहुत ही मजा आए। आज हम उस सारे माजी के पास गए और जो माजी ने प्यार बरसाया है वो आपको देखना ही है। वो आपको कल या परसों के ब्लॉग में मैं डाल दूंगा, दोपहर 2 बजे डालूंगा। अभी फिलहाल बहुत सारे गेस्ट आए हैं, दिवाली का त्यौहार है तो बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं तो अभी ब्लॉग एडिट करके आपको दिखाना, क्योंकि बाहर जो भी माजी को हम दिया है उसका एडिट ज्यादातर ज्यादा टाइम लगता है। बाकी जब घर पे थोड़ा बहुत हमने मस्ती की वो आपको दिखा देता हूँ। पूरा ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अभी चोपड़ा पूजन कर रहे हैं वो भी आपको कल दिखाएंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा अभी नहीं है, बहुत ही ज्यादा काम है और
वक्त थोड़ा है, तो आपको धीरे धीरे करके सारे चीजें वो आपको दिखाता रहूंगा। तो फ्रेंड ऐसे बस धमाल मस्ती चलती रहेगी, दिवाली का बहुत ही बढ़िया बस एंजॉय करते। और भी माँ जी है, उनको हम कल मिठाइयाँ देने जाने वाले है, तो बस कल भी जितना हो सके सब माँ जी के पास जाकर सबको नए वर्ष के अभिनंदन देंगे और उनको भी मिठाइयाँ देंगे, ठीक है। तो जो भी माँ जी रह गए उनको कल हम मिलेंगे, उनको कल मिठाई देंगे। तो ये जय हो विलेज का सिलसिला चालू ही रहेगा, आप और हम जुड़े तो बहुत ही बढ़िया। अब मिलते हैं कल, तब तक क्या करना है? बाय बाय।